हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ कीर्ति। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर 15 फ्रॉम डॉक्टर रंजीत सिंह। और इसकी जो बाकी प्रैक्टिस पेपर है वो भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। सो गाइस, जो लोग नए हैं चैनल पर, वो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 15 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर 15, जिसका कि पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एम्फिसिज्म, यानी एम्फिसिज्म का फादर किसको कहा जाता है। ये जो 15 प्रैक्टिस पेपर है, ये इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेकन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हमारे जो फादर हैं एम्फिसिज्म के, वो बोले जाते हैं बैकन को बोला जाता है, ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकन, सी वाला, ठीक है। जिनका जन्म हुआ था 1561 में और डेथ हुई थी 1626 में। तो इस ये इनका टाइम पीरियड है और ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं, ठीक है। तो और इस कॉल्ड वन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, यानी कि मॉडर्न साइंस का फादर किसको माना जाता है ना, तो बैकन को ही माना जाता है। बैकन हमारे जो इंग्लिश ऐसे हैं उनके फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ एम्फिसिज्म माने जाते हैं, इंग्लिश ऐसे के फादर माने जाते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी माने जाते हैं बैकन। तो आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, फ्रांसिस बैकन इज बेस्ट नोन फॉर, उन्हें वो किसके लिए जाना जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और ये अच्छा है प्रैक्टिस पेपर सारा। इसमें जो पहले रिवाइज हो चुके हैं क्वेश्चन, काफ़ी वही सारे हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है नहीं है। जहाँ होगी वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, हु रोट नोवम ऑर्गेनम, किसने नोवम ऑर्गेनम लिखा था। तो ये नोवम ऑर्गेनम है, ये मैग्नम ओपस माना जाता है बैकन का, बैकन ने लिखा था और ये 1620 में उन्होंने लिखा था। और ये रेफरेंस इन्होंने लिया था एरिस्टोटल का एक वर्क है, ऑर्गेनम, वहाँ से इन्होंने इसको रेफरेंस को लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मैनी एसेज वर रिटन बाई बैकन, बैकन के द्वारा टोटली कितने एसेज लिखे गए थे, ठीक है। तो 58 लिखे गए थे, 58 essays written by Bacon. Question number देखिए 6, who wrote about Francis Bacon, the बहुत प्यारा और बहुत फेमस कोट है ये, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि फ्रांसिस बेकन के लिए कोट लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट मैनकाइंड, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये दिया गया था। सो ए इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, विच इंग्लिश राइटर सैड, किस इंग्लिश राइटर ने कहा है इंग्लिश इज़ ए वल्गर लैंग्वेज, इंग्लिश कैसी लैंग्वेज बोली है, वल्गर, एंड वुड रिमेन सो फॉर एवर, और हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो ये बैकन ने ही बोला था, बैकन का स्टेटमेंट है। सो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, ठीक है, बिसाइड इंग्लिश इन विच लैंग्वेज बैकन रोट, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंग्लिश के अलावा बैकन ने और किस लैंग्वेज में लिखा है, तो लैटिन उनकी फेवरेट लैंग्वेज रही है, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच ईयर बैकन एसेज फर्स्ट अपीयर्ड, कौन सी ईयर में उनके जो एसेज थे पहली बार प्रकाशित हुए, तो वो ईयर थी 1597, इनमें उसके उनके 10 एसेज आए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, एन अलेक्जेंडराइन इज़ ए वर्स लाइन, एक पोइटिक लाइन होती है अलेक्जेंडराइन, है ना, या तो ये क्या होती है, TGT 10 में आया हुआ है। तो एन आइम्बिक हेक्सामीटर, मतलब आइम्बिक पेंटा होती है, टेट्रा होती है, हेक्सा होती है, या फिर मतलब आइम्बिक हेक्सामीटर होती है। तो आपका ए करेक्ट हो जाता है, आइम्बिक हेक्सामीटर होती है, इसमें 12 लेवल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, एन आइम्बस कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो आइम्बस होता है वो समाहित होता है, PGT 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइम्बस का मतलब होता है एक जोड़ा, यानी कि एक अनसेंटेड सिलेबल आएगा और एक फॉलो किया जाएगा एक असेंटेड सिलेबल के द्वारा। सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पहले अनसेंटेड फिर
एसेंटेड ऐसे करके सिलेबल का ग्रुप होगा, इसको क्या आ जाता है एम्बस। ठीक है, और फ्रेंड एक और बात आप लोगों को ये बता दूं मैं, ये जैसे 15 सेट 15 है ये, तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। जैसे कुछ लोग ना थंबनेल में लगा देते हैं, जैसे 26 है या 30 थंबनेल में प्रैक्टिस सेट वो लगा देते हैं, तो वो अपने कुछ क्रम के अनुसार लगाते हैं। बुक के अनुसार तो अभी आपका 15 चल रहा है, ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और इसमें टोटल अभी 45 लगभग अभी और हैं, मतलब 45 प्रैक्टिस सेट हैं। लास्ट के जो 5 हैं वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो अभी काफ़ी क्वेश्चंस हमें। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, ब्लैंक वर्स इज, ब्लैंक वर्स क्या होती है, पीजीटी 13 में आया, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होती है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होती है, तो जो ब्लैंक वर्स होती है वो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होती है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, फ्री वर्स इज पोइट्री, फ्री वर्स क्या होती है, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटिंग मीटर, यानी कि एक ऐसी पोइट्री होती है जिसमें नो रेगुलर मीटर को ध्यान में रखना नहीं, मतलब रेगुलर मीटर को ध्यान में नहीं रखना होता है, यानी कि जो राइटर है वो एक लाइन भी लिख सकता है, दो लाइन भी लिख सकता है, चार लाइन मतलब चार सिलेबल भी लिख सकता है, किसी किसी लाइन में एक ही सिलेबल लिख के छोड़ देता है, मतलब कुछ भी आप फ्री है, मतलब राइटर लिखने के लिए फ्री है, इन फ्री वर्स, कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होता उसमें, सो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, वॉल्फ, वॉल्फ इज, वॉल्फ क्या है, फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है, फर्स्ट इंग्लिश नोवेल है, ऐसे है, क्या है, सो आपका वॉल्फ है फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक। ठीक है, जैसे हमारा इंग्लिश एपिक ऐसे जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट माना जाता है ना, वैसे ही जो ओल्ड इंग्लिश है हमारी, जिसको हम जानते हैं, हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन है ना, 450 से जिसका कुछ टाइम पीरियड शुरू होता है, उसका जो फर्स्ट एपिक है वो वेल्फ को माना जाता है, और अभी का मॉडर्न इंग्लिश का माना जाता है इस जॉन मिल्टन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15, आई हैड फाउंड माई रिलीजन, नथिंग सीम्ड मोर इम्पोर्टेंट टू मी दैन अ बुक, आई सॉ द लाइब्रेरी एज ए टेम्पल, हु सैड दिस, किसने कहा है ये, सो दिस इज स्टेटमेंट बाय जीन पॉल सैट्रे, ये ए इनका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16, ओ दिस लव दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, हु सैड दिस, सो ये जो स्टेटमेंट है ये बोला गया है लेविस कैरोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, क्वेश्चन नंबर, द फिगर ऑफ स्पीच इन द डेथ लेज हिज आई सी लैंड हैंड, सॉरी हैंड हैंड्स ऑन किंग, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको फाइंड करना है, पीजीटी 13 में आया हुआ है, सो आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, या डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है कि जो डेथ है अपने हाथ डालती है अपने ठंडे हाथों को राजाओं के ऊपर, यानी मृत्यु को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच ही रिसीव्ड ए मॉर्टल वुंड, उसने क्या रिसीव किया, ए मॉर्टल वुंड, पीजीटी 16 में आया हुआ है, तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा, सिनिकॉडक, ट्रांसफर एपिथेट और मिटोनमी है या लिटोटस है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी वाला, ट्रांसफर एपिथेट, क्योंकि जो ये मॉर्टल है ना, मॉर्टल वुंड, ये आया हुआ इसके लिए है और यहाँ पर इसको रख दिया जाता है, तो ट्रांसफर एपिथेट का मतलब होता है विशेषण। देखिए यहाँ पर कुछ ना डायरेक्शंस दिए हुए हैं, नोट, द फॉलोइंग एम सी क्यूज 19 to 38 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट, यानी ये जो एम सी क्यूज हैं ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट से लिए हुए हैं यहाँ तक, है ना, तो इसका देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हुम डज जर्टूड रश टू सी आफ्टर पोलोनियस इज किल्ड, किसको वो रश करती है जब पोलोनियस की डेथ हो जाती है, सो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्लॉडियस, क्लॉडियस को बताती है वो। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, व्हाट डज जर्टूड कंपेयर हरसेल्फ, वो अपने आप को किससे कंपेयर करती है, तो अपने आप को कंपेयर करती है
द वॉयलेंट ओशन से, है ना, सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज क्लॉडियस मेन कंसर्न. जो क्लॉडियस था उसकी जो मेन कंसर्न क्या थी, यानी जर्टूड इमोशनल स्टेट, हैमलेट सैनिटी और हिज ओन कंसाइंस या कीपिंग हिज पावर. तो उसका जो मेन जो मोटिव था वो कीपिंग हिज पावर, यानी वो सत्ता को पाना चाहता था, इसीलिए तो उसने ये सारा षड्यंत्र रचा था, तो यही उसका कंसर्न था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज हैमलेट एक्यूज रोजनक्रांट एंड गोल्डस्टर्न ऑफ, यानी क्या उस पर दोषारोपण करता है हैमलेट इन दोनों को. तो वो कहता है बीइंग स्पीस फॉर क्लॉडियस, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा. फ्रेंड्स अभी दिवाली चल रही है, दिवाली के बाद अब छठ पूजा स्टार्ट हो गई, तो आप लोगों को क्रैकर्स की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में. सो अब कुछ कर ही नहीं सकते ना साउंड का, तो हम लोग पर आप लोगों को आई थिंक अब मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियर, बता देना क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि वीडियो स्किप नहीं कर सकते ना, फिर हम ऐसे ही करेंगे तो फिर तो हो गई हमारी पढ़ाई. अच्छा नेक्स्ट है, ये हो गया बीइंग स्पीस फॉर क्लॉडियस, है ना, बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज, माय गॉड बहुत आवाज़ आ रही है, व्हाट डज हैमलेट एलो रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टर्न टू डू, है ना, हैमलेट क्या उनको कहता है करने को, रोजनक्रांट को और गिल्डस्टर्न को. वो कहता है सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, एकम्पनी हिम, वो उसका साथ दें बैक टू क्लॉडियस, क्लॉडियस से वापस आ जाएं वो और उसका साथ दें. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हु रिवेल्स द लोकेशन ऑफ पोलोनियस बॉडी. तो इसकी जो बॉडी थी पोलोनियस की, रूम में जर्टूड के रूम में मर गया था ना ये, तो इसकी जो लोकेशन है वो कौन रिवेल करता है, वो हैमलेट करता है, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 25, व्हाट ऑर्डर्स डज क्लॉडियस सेंड टू इंग्लैंड, क्या ऑर्डर्स क्लॉडियस सेंड करता है इंग्लैंड विद रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टर्न, इनके साथ वो एक ऑर्डर सेंड करता है इंग्लैंड के राजा को, और इनके साथ वो ये मैसेज भेजता है राजा को कि इनके साथ जो हैमलेट आ रहा है उसको मरवा दिया जाए, ठीक है, ये मैसेज उसको भेजता है. सो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा बी वाला, दैट हैमलेट बी किल्ड, के हैमलेट को मार दिया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वॉट इज़ 14 ब्रास डूइंग, वो 14 ब्रास क्या कर रहा है, व्हेन ही कम्स अक्रॉस हैमलेट रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टर्न, यानी कि 14 ब्रास क्या कर रहा था उस समय जब वो हैमलेट से मिलता है और रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टर्न वो लोग आ रहे थे जब इंग्लैंड, और वो लोग वो उसे रास्ते में मिलता है, तो वो उस समय क्या कर रहा था, तो वो तैयारी कर रहा था एक अटैक की, ही इज़ ऑन हिज वे टू अटैक पोलैंड, पोलैंड पर आक्रमण की वो तैयारी कर रहा था. क्वेश्चन नंबर देखिए 27, Why is Hamlet surprised by the nature of the conflict between Poland and Norway? वो पोलैंड और नॉर्वे का जो अटैक था उससे सरप्राइज क्यों था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि बिल्कुल एक इनसिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट है. सो आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज द कन्फ्लिक्ट सीम टू इनसिग्निफिकेंट. क्वेश्चन नंबर देखिए 28, What does Hamlet resolve? Resolve means निश्चय करना. क्या निश्चय करता है Hamlet to do after meeting 14 brass? उससे मिलने के बाद, किससे, 14 brass से मिलने के बाद जो Hamlet है वो क्या निश्चय करता है? तो वो निश्चय ये करता है कि वो बदला लेने की अपनी ठान लेता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि जो 14 brass है वो अपने फादर का, मतलब जो अधूरा काम था वो पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए पोलैंड पर अटैक कर रहा है, तो उसे भी कहीं ना कहीं वो अपनी जो बदला लेने की इच्छा थी वो जाग जाती है फिर से, कि यार मैं कैसा हूँ, मुझे भी तो लेना चाहिए, तो वापस से तैयार हो जाता है, तो अचीव हिज रिवेंज, वो फिर से तैयार हो जाता है अपना बदला लेने के लिए. क्वेश्चन नंबर देखिए 29, हाउ डज ऑफेलिया हैंडल द न्यूज़, ऑफेलिया कैसे हैंडल करती है न्यूज़ ऑफ पोलोनियस डेथ, यानी अपने फादर की न्यूज़, पोलोनियस उसका फादर था ऑफेलिया का, तो अपने फादर की जो डेथ को कैसे वो हैंडल करती है बेचारी, तो शी गोज़ क्रेजी, पागल हो जाती है वो, नहीं पागल हो ही जाएगी ये अपने फादर की डेथ क्या सुनेगी तो कोई भी लड़की. क्वेश्चन नंबर देखिए 30, व्हाट डज हॉरेशियो
अर्ग जरटूट टूटू। अब जो हॉरेसियो है वो क्या प्रार्थना करता है जरटूट से करने को, तो वो कहता है कि कंसोल ऑफेलिया, उसको मतलब कंसोल करने के लिए कहता है क्योंकि उसके फादर की डेथ हुई है और हैमलेट भी है नहीं वहाँ पर, तो कहता है कि आप उसको प्लीज़ संभालो, वह दुख में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, हाउ डू द पीसेंट फील, जो पीसेंट हैं वहाँ के सावन, तो वो लोग क्या अबाउट लर्टीज अपॉन हिज रिटर्न क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं दे फील दैट ही ऑट टू बी किंग, उसको राजा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, वॉट एडवाइस डज क्लॉडियस गिव टू लर्टीज, क्लॉडियस क्या एडवाइस देता है लर्टीज को, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ऑफेलिया, या फिर वो कहता है दैट ही शुड सीक रिवेंज ऑन हु एवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलोनियस डेथ। ठीक है, तो वो उसको ये एडवाइस देता है कि जिस किसी ने भी उसके पिता को मारा है उससे उसे बदला लेना चाहिए। तो भाई वो तो ऐसा कहेगा ही ना, क्योंकि उसे पता ही था कि हैमलेट ने मारा है, और वो अगर हैमलेट से बदला लेगा तो उसका भी काम पूरा हो जाएगा उसकी आड़ में। ठीक है, तो इसलिए वो उसको यही भड़का देता है कि भाई जिसने भी तुम्हारे पिता को मारा है तुम्हें उससे अवश्य बदला लेना चाहिए। सो आपका आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, दैट शी शुड सीक रिवेंज, उसे बदला लेना है ऑन हु एवर, जिस किसी ने भी पोलोनियस को मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट डज हैमलेट लेटर टू हॉरेसियो सीज, यानी कि जो हैमलेट का लेटर है वो हॉरेसियो को मिलता है, उसमें हैमलेट क्या उसको लिखता है, वो उसको लिखता है कि वो वापस आ रहा है डेनमार्क। तो आपका आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, दैट ही इज रिटर्निंग टू डेनमार्क। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 34, व्हाई डज नॉट क्लॉडियस पनिश हैमलेट, ये जो क्लॉडियस है, जो चाचा लगता है हैमलेट का, ये हैमलेट को पनिश क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक थी, मतलब जो प्रजा होती है, वो उसको हैमलेट को बहुत चाहती थी, क्योंकि भाई राजा का बेटा था, है ना, तो उसे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हैमलेट को कुछ सजा दूँ और पब्लिक भड़क जाए, इसलिए वो उसको पनिश नहीं करता। अंदर ही अंदर नफरत तो बहुत करता है वो हैमलेट से। सो आपका आंसर सी हो जाएगा, बिकॉज टू मैनी पीपल एडोर हैमलेट, काफ़ी लोग उसको एडोर करते थे, प्यार करते थे, उसको पूछते थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, वाई इज़ लर्टीज हैप्पी अबाउट हैमलेट रिटर्न टू डेनमार्क, अब लर्टीज क्यों हैप्पी था हैमलेट के लौटने पर, भाई सीधी सी बात है हैप्पी होगा ही, क्योंकि उसे अपने बदला जो लेना था अपने अपने मतलब पिता की डेथ का, बिकॉज ही प्लान टू किल हिम, उसे इतने मारने का प्लान कर लिया था, है ना। तो आपके 35 क्वेश्चन ये हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, व्हेन डज लर्टीज प्लान टू किल हैमलेट, लर्टीज मतलब कहाँ उसको मारने का प्लान करता है, तो ये सारे ऑप्शन है आपके, देख लीजिए। तो फेंसिंग मैच होता है उसमें तलवारबाजी, वहाँ उसको मारने का प्लान करता है, दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रच लिया था क्लॉडियस और लर्टीज ने कि कैसे उसको मारना है। 37 का देखिए, व्हाट डू लर्टीज, क्या करता है लर्टीज एंड क्लॉडियस प्लान टू डू इफ हैमलेट विंस द ड्यूल, अब दोनों ने मतलब इतना षड्यंत्र रच लिया था कि अगर बाय द वे जो फेंसिंग मैच है यानी जो तलवारबाजी होगी उसके बाद जो ड्यूल के बाद अगर बच जाता है हैमलेट तब भी उसको मारना ही है, तो उसके लिए भी उन्होंने इंतजाम करके उसके लिए रखा था, उसके लिए पॉइजन रखा था उन्होंने एक कप में वाइन के साथ मिला के कि उसको ये पिला देंगे तो वैसे ही मर जाएगा। और होता क्या है कि वो नहीं पीता, उस वाइन को पी लेती है जरटूट, तो जरटूट मर जाती है, और रखा गया था वो हैमलेट के लिए। तो इस प्ले में ऐसे करके 8 डेथ हो जाती हैं, कुछ डेथ ये लास्ट में हो जाएंगी, लर्टीज हैमलेट जरटूट और क्लॉडियस, ये 4 एक साथ अभी मारे जाएंगे यहीं पर इस सीन में जब ये फेंसिंग मैच होता है इसके बाद, है ना। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, हाउ डज ऑफेलिया डाई, ऑफेलिया कैसे मरती है, 4 वहाँ मर जाएंगे और ये ऑफेलिया, इसमें टोटल जो डेथ हुई है ना हैमलेट प्ले में वो 8 हुई है, इसी डोंस इन ए रिवर, वो नदी में कूद कर मर जाती है, तो ऑफेलिया भी मर जाती है। तो ये आपके हैमलेट जो ट्रेजेडी के क्वेश्चन थे 38 तक ये हो गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, काफ़ी अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है ये। अच्छा एक मिनट जूम कर लेती हूँ मैं, है ना, अच्छे से दिखेगा फिर। क्वेश्चन देखिए 39,
वॉट इज ऑनर? ऑनर क्या है? अ वर्ड. वॉट इज दैट वर्ड? ऑनर. एयर. इट ट्रीम रैकनिंग. हु हैथ इट? दैट डाइट वेडनेस डे. डॉथ ही फील इट? नो. डॉथ ही हियर इट? नो. इट इज इनसेंसिबल दैन ये टू द डैट बट विल इट नॉट लिव विद द लिविंग. एक्चुअली स्टेटमेंट है ये. नो वाई डिट्रैक्शन विल नॉट सफर इट देयर फॉर आई विल नन ऑफ इट. ऑनर इज ए मेयर सिक्योन एंड सो एंड माई कैचिज्म विच करेक्टर. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट था. अभी यहाँ आपको बताना है कि विच करेक्टर इन द फॉलोइंग. इस स्टेटमेंट को शेक्सपियर ड्रामाज मेड दिस स्टेटमेंट अबाउट ऑनर. ऑनर से रिलेटेड ये स्टेटमेंट था एक शेक्सपियर के ड्रामा में. तो ये किसने स्टेटमेंट दिया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन. तो ये आपका हो जाएगा, आपका बी वाला सही हो जाएगा. ये फाल्स स्टाफ का स्टेटमेंट है जो कि हेनरी फोर्थ के पार्ट वन में उसने बोला है. क्वेश्चन नंबर देखिए 40. इन विच ऑफ हिज नोवल डज इटालो काल्विनो कंस्ट्रिक्ट हिज नैरेटिव थ्रू अ टैरट पैक ऑफ कार्ड एंड री इंटरप्रेट द वेस्टर्न कैनन प्रोवाइडिंग न्यू वर्जन ऑफ इडीपस रैक्स. अच्छा, और फॉस्ट हैमलेट मैकबेथ एंड किंग लियर. ये भी नेट 2018 में पूछा गया है. यानी कि एक नोवल है, एक नोवल है इनके द्वारा लिखा गया इटालो कैल्विनो के द्वारा, जिसमें इन्होंने उसका न्यू वर्जन दिया है. कुछ जो पुरानी ट्रेजेडीज़ हैं जैसे फॉस्ट हो गई, इडीपस रैक्स हो गई, कुछ हैमलेट हो गई, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ हो गई, इनका एक न्यू वर्जन इन्होंने अपने नोवल में कॉन्सेप्ट दिया है. तो ठीक है, वो क्या है? तो द कासल, उस नोवेल का नाम बताना है आपको. तो आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे, द कासल ऑफ क्रॉस डेस्टिनीज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 में क्या कह रहे हैं. इन विच प्ले ए करेक्टर सेज. एक करेक्टर कौन से प्ले में करेक्टर कहता है, ओ स्वीट मिस्टर शेक्सपियर आई विल हैव हिज पिक्चर इन माई स्टडी एट द कोर्ट. तो आपका ए वाला हो जाएगा. एनोनिमस प्ले, एक एनोनिमस प्ले है रिटर्न फ्रॉम पैरानेसस 1601. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42. विच वॉल्यूम वाज प्रीफेस्ड विद ए पोएम. किस वॉल्यूम में एक प्रीफेस रखा गया है एक पोएम को, मतलब किस वॉल्यूम के प्रीफेस में एक पोएम को रखा गया है बाय बेन जॉनसन. यानी कि जो शेक्सपियर के वॉल्यूम है, जैसे चार वॉल्यूम आए थे ना, फर्स्ट फोलियो सेकंड फोलियो, इस तरीके उनके चार वॉल्यूम आए थे, तो उनके प्रीफेस में एक पोएम को रखा गया है बेन जॉनसन की. इन विच जॉनसन प्रेजेंटली हैज द शेक्सपियर इन नाउ फेमस कोट. जिसमें उन्होंने उसको तारीफ की है जॉनसन ने शेक्सपियर की, जो अब वर्तमान में एक बहुत फेमस कोट बन गया है, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. जो कि केवल एक एज के लिए नहीं था, हर एवरग्रीन था वो, ये मतलब हो गया उसका. तो ये जो पोएम है ना, ये फर्स्ट फोलियो 1630 में आया, इसका प्रीफेस है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर. यानी कि जो शेक्सपियर है उनकी जो फर्स्ट लाइफ है, फर्स्ट उनका वर्क का जो एडिटर रहे वो कौन है? निकोलस राव. ठीक है, निकोलस राव उनके फर्स्ट बायोग्राफर माने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर देखिए 44. वर्ड्सवर्थ मेड हिज डिपार्च, है ना, एज ए राइटर. उन्होंने अपनी शुरुआत करी एक राइटर के तौर पर 1787 से उन्होंने अपनी एक राइटर के तौर पर शुरुआत करी. और जब उन्होंने पब्लिश कराई थी अपनी एक सोनेट, कहाँ कराई थी? द यूरोपियन मैगजीन में. सो आपका बी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 45. वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद ए फ्रेंच वूमेन एनेटी वेलन के प्यार में पड़ गए थे, जो कि एक फ्रेंच वूमेन थी. 1792 गेव बर्थ टू डेयर डॉटर. और 1792 में जिसने एक बेटी को जन्म दिया, उस बेटी का नाम बताना है, वो क्या था? कैरोलाइन उसकी बेटी का नाम था. नेक्स्ट है 46. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वर्ड्सवर्थ रोट द सोनेट, एक सोनेट लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, जो कि शांत है और फ्री है, रिकॉलिंग ए सी साइड वॉक, एक सी साइड वॉक को रिकॉल करते हुए विद द 9-year-old गर्ल, यानी कि उन्होंने 9-year-old के साथ एक वॉक करते हुए उस सीन को, जो समुद्र के सहारे जो सीन था उसको रिकॉल करते हुए सोनेट लिखी थी। उस गर्ल का नाम बताना है तो वो कैरोलाइन थी, कैरोलाइन के साथ वॉक कर रहे थे, उससे इंस्पायर हम की सोनेट। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 में द फर्स्ट वॉल्यूम, हाँ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलाड, जो लिरिकल बैलाड का जो फर्स्ट वॉल्यूम था 1798 में आया था, ठीक है, वॉज पब्लिश्ड हुआ था अंडर द ऑथर नेम ऑफ, किसके नाम से पब्लिश हुआ था, वर्ड्सवर्थ के, कॉलरिज के, या फिर दोनों के, या फिर किसी के, नहीं तो जो उनका पहला वाला जो वॉल्यूम आया था ना इसका, वो किसी के नाम से पब्लिश नहीं हुआ था, तो नन ऑफ दीज आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज्ड एंड रिजेक्टेड इन द वर्ड्स इम्पॉसिबल दैट द प्लेस शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन, तो यानी कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसाइज किया गया और रिजेक्ट कर दिया गया इन वर्ड्स में, ठीक है, तो ये बॉर्डर्स था, ये बॉर्डर्स एक लिरिकल प्ले है वही विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, हु वॉज जॉन वॉकिंग स्टीवर्ट दैट मेट वर्ड्सवर्थ इन पैरिस 1792, कौन थे ये, सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड ट्रेवलर थे, हु रोट एपोक्लिप्से ऑफ नेचर, ये उन्होंने उनके वर्क था। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, मिल्टन रोट हिज एलिजिया प्रीमा अ फर्स्ट लैटिन एलिजी, उन्होंने अपनी पहली लैटिन एलिजी लिखी थी टू अ फ्रेंड फ्रॉम सेंट पॉल, अपना एक सेंट पॉल फ्रेंड था उनका, उसके लिए लिखी थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था चार्ल्स डियोटी, ये इनका स्कूल फ्रेंड था, ठीक है, उनका जो एडवर्ड किंग तो उनके कॉलेज फ्रेंड थे कैम्ब्रिज में, जो उनके साथ थे, जिनकी डेथ पर उन्होंने फेमस एलर्जी लिसीडस लिखी, लेकिन ये उनके स्कूल फ्रेंड थे, उस पर इन्होंने अपनी लैटिन में एलर्जी लिखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 51, हु रोट ए पोइम एपिटेफ ऑन एडमिरेबल ड्रामेटिक पोइट, यानी कि ये पोइम का नाम है किसने लिखी, विलियम शेक्सपियर के लिए, जॉन मिल्टन ने, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, कॉमर्स आर्केड्स एंड कॉमर्स आर मिल्टन टू फेमस क्या हैं, ये दोनों वर्क हैं आर्केड एंड कॉमर्स, तो ये मास्क हैं, कॉमर्स जो कि 1634 में आई थी और ये भी 38 में आई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1674, अपनी डेथ से पहले मिल्टन सुपरवाइज द सेकेंड एडिशन, उन्होंने सेकेंड एडिशन सुपरवाइज किया ऑफ पैराडाइज लॉस्ट का, एकम्पनीड बाई एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई द पोएम राइम नॉट, वाई द पोएम राइम नॉट एंड प्रीफेटरी वर्सेज बाय, तो इसमें ये इन्होंने पोएम रखी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, एंड्रू मार्वेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, विच पोइट saw himself as Milton poetical son, कौन सा पोइट है जो अपने आप को मिल्टन का पोइटिकल सन मानता है, तो ये विलियम ब्लैक है, सी आपका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 55, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन ऑकर इन द प्ले, किस प्ले में लिए गए, जस्टिस में, जस्टिस अ प्ले बाई गार्सवर्थी जो आया 1910 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, लॉ इज वॉट अ मजेस्टिक एडिफाइस एल्टरिंग ऑल ऑफ अस, मतलब जो लॉ है, कानून है, वो क्या है, एक मजेस्टिक एडिफाइस है जो हम सबको सेल्टरिंग प्रदान करता है, हु सेज दिस इन जस्टिस, जस्टिस में किसने कहा है इसको, जज ने, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस TZT 13 में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आयरनिकल है इसका टाइटल, कैसे है आयरनिकल, क्योंकि इस प्ले का नाम है जस्टिस और इसमें हुआ उसके विपरीत है, जस्टिस हुआ ही नहीं, अनजस्टिस हुआ है, तो टाइटल कैसा हो गया, आयरनिकल हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, अ सॉन्ग
और हिम, यानी कि एक ऐसा गीत और एक भजन ऑफ ग्रीफ जो दुख का है और विलाप होता है, जिसमें स्पेशली वन इंटेंडेड टू अकम्पनी फ्यूनरल, फ्यूनरल के समय या मेमोरियल रिटेस। तो क्या होता है ये दीर्घ, ये हो जाएगा, ये एक लैमेंटेशन सॉन्ग होता है। 59 देखिए, ए कॉमिक वर्स कंपोज इन इरेगुलर रिदम, यानी कि एक जो कॉमिक कविता एक इरेगुलर रिदम में कंपोज होती है उसको क्या कहते हैं, डॉगरल कहते हैं। सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए 60, अ शॉर्ट पेस्टोरल पोइम, एक पेस्टोरल पोइम यूजुअली इन डायलॉग, डायलॉग में होती है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, जिसका सब्जेक्ट होता है ग्रामीण, एंड द सोसाइटी ऑफ सेफर, गडरियों की लाइफ से रिगार्डिंग होती है वो, डिपिक्टिक रूरल लाइफ, और उसमें वही ग्रामीण जीवन का वर्णन किया जाता है एज फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी। एज फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी एंड करप्शन ऑफ मोर सिविलाइज लाइफ। ठीक है, तो वो फ्री होती है किससे, कॉम्प्लेक्सिटी से और करप्शन से, ये जो शहरी जो तनाव और ये जो करप्शन है ना जो शहर का, उससे वो फ्री होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एकलॉग कहते हैं। एकलॉग एक पेस्टोरल पोएम होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 61, द ओमिशन ऑफ ए साउंड, एक साउंड का ओमिशन और सिलेबल व्हेन स्पीकिंग एज इन आई एम लेट, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, एलिसन, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, द एक्ट ऑफ लीविंग आउट ए वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस डेलिबरेटली व्हेन द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड विदाउट डैम, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा एलिसन होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 63, द एक्ट ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग ए टेस्ट, यानी ऐसा एक्ट जो करेक्ट करेक्ट करता है, इम्प्रूव करता है टेस्ट को, उसको क्या बोलते हैं, एमेंडेशन, भी आपका सही हो जाएगा, एमेंडेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, द एबिलिटी टू शेयर समवन एल्स फीलिंग, यानी कि किसी की फीलिंग को शेयर करने की जो क्षमता होती है हमारे अंदर, एबिलिटी होती है और एक्सपीरियंस बाय इमेजिनिंग व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इन दैट पर्सन सिचुएशन, और ये हमें सोचने की क्षमता होती है कि उस इंसान की क्या कंडीशन होगी, उसको कहते हैं एम्पैथी, यानी कि किसी दूसरे की जो अनुभूति है हम अपने अंदर फील करें उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर देखिए 65, अ स्पीच ऑफन इन वर्स, ठीक है, एक ऐसा भाषण जो कविता में होता है, एड्रेस करता है ऑडियंस को बाय एन एक्टर, किसी कलाकार के एक्टर के द्वारा, एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, एक प्ले की शुरुआत में, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोलॉग बोलते हैं, जैसे होता है ना इस प्ले में प्रोलॉग है, इस प्ले में एपिलॉग है, प्रोलॉग बोली गई है और एपिलॉग रोजालिन के द्वारा बोली गई है, एज यू लाइक इट में, इस तरह से हम बोलते हैं ना वो सारी चीज़ें, तो प्रोलॉग है, जो प्रोलॉग क्या है स्टार्टिंग में बोली जाती है और जो एपिलॉग है वो लास्ट में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 66, एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट ए टॉम, यानी कि एक इंस्क्रिप्शन किसी टॉम पर और या फिर ग्रेप पर होता है, इन मेमोरी ऑफ वन वरीड देयर, यानी किसी की मेमोरी में कुछ लिखा जाता है कब्र के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एपिटाफ बोलते हैं ना, समाधि लेख। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, अ सॉन्ग और पोएम इन ऑनर ऑफ ए ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, यानी एक ऐसा सॉन्ग और, ठीक है, एक ऐसा कोई सॉन्ग या पोएम जो गाई जाती है दुल्हन और दूल्हा के सम्मान में, सेलिब्रेटिंग ए मैरिज, यानी एक ऐसी कविता जो मैरिज को सेलिब्रेट करती है, मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए गाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एपिथैलेमियम। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखती है 68, व्हाट सेलेस्टियल फिगर इज एसोसिएटेड विद द किंग एंड हिज रेन इन द प्ले हेनरी फोर पार्ट वन, कौन सेलेस्टियल फिगर एसोसिएटेड है, तो बी हो जाएगा द सन।
देखिए द फॉलोइंग MCQ 69 से लेके आपके 88 से शेक्सपियरियन रोमांस द टेम्पेस्ट से लिए गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन देखिए 69, व्हाट डज कैलिवन, कैलिवन क्या करता है आफ्टर प्रॉस्पेरो फर्स्ट समन हिम, जब उसका फर्स्ट समन मिलता है प्रॉस्पेरो से, कर्सेस करता है वो उसको, शार्प कर देता है प्रॉस्पेरो को। क्वेश्चन नंबर देखिए 70, अकॉर्डिंग टू कैलिवन व्हाट डिड प्रॉस्पेरो डू, क्या करेगा वो गुस्से में उसके साथ, ब्रिट्रेट करेगा एंड एनस्लेव करेगा उसको, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 71, व्हाट डू मिरांडा एंड फर्डिनेंड डू, क्या करते हैं मिरांडा एंड फर्डिनेंड व्हेन दे फर्स्ट सी ईच अदर, जब वो पहली बार एक दूसरे को देखते हैं क्या करते हैं, फॉल इन लव, प्यार में पड़ जाते एक दूसरे को। भाई मिरांडा ने ना कोई मतलब जीव जो ह्यूमन बीइंग है उसको देखा नहीं था, उसने बस वही जो परियां वरियां थी और जो ये जो कैलिवन वगैरह थे ना, जो स्प्रिट थी, इन्हीं को देखा था। पहली बार जब फर्डिनेंड को देखती है अपने आइलैंड पर, तो बस उसके प्यार में वो पड़ जाती है, और फर्डिनेंड भी क्योंकि बहुत सुंदर थी वो। क्वेश्चन नंबर देखिए 72, व्हाट डज प्रॉस्पेरो डू विद फर्डिनेंड, क्या करता है उसके साथ प्रॉस्पेरो आफ्टर मिरांडा एंड फर्डिनेंड हैव फॉलन इन लव, जब वो लोग प्यार में पड़ जाते हैं तो वो क्या करता है उन दोनों के साथ, उनको खाना देता है, मेक उनके लिए खाना बनवाता है, मेक हिम फीस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 73, हाउ डज प्रॉस्पेरो फील, क्या फील करता है वो इसके बारे में, मिरांडा के बारे में, फर्डिनेंड फॉलिंग इन लव, जब वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, वो सेक्रेटली प्लीज्ड, मतलब मन ही मन खुश होता है, जैसे होता है ना एक बाप खुश होता है कि भाई अच्छा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 74, विच ऑफ द लॉर्ड एक्सप्रेसेस द बिलीफ दैट आइलैंड इज ए गुड प्लेस टू बी, आइलैंड एक अच्छा स्थान है रहने के लिए, कौन सा लॉर्ड कहता है, गोंजालो कहता है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 75, हु डज नॉट फॉल एस्लीप, कौन नहीं सोता, कौन नहीं सोता व्हेन एरियल एंटर प्लेइंग सोलोमन म्यूजिक, जब जो एरियल है वो जो म्यूजिक प्ले करता है तब कौन करेक्टर इनमें से नहीं सोता, तो सेबेस्टियन एंड एंटोनियो नहीं सोते। क्वेश्चन नंबर देखिए 76, व्हाट डू सेबेस्टियन एंड एंटोनियो प्लॉट वाइल द अदर स्लीप, यानी कि ये लोग क्यों नहीं सोते हैं, क्योंकि ये लोग प्लॉटिंग कर रहे थे, और ये सेबेस्टियन है इसके भाई को मारने की प्लॉटिंग की जा रही थी, इसीलिए दोनों नहीं सोते हैं। अब क्वेश्चन 76 देखिए, व्हाट डू, क्या करते हैं सेबेस्टियन एंड एंटोनियो, क्या प्लॉटिंग करते हैं, मतलब वो जब सब लोग सो रहे थे अदर स्लीप, टू किल एलोंसो, एलोंसो को मारने की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 77, हु स्टॉप एलोंसो मर्डर, एलोंसो का जो मर्डर होने वाला, वो लोग प्लॉटिंग कर चुके थे कि इसको मर्डर कर देंगे, लेकिन उसका मर्डर अचानक से रुक जाता होते होते, वो कौन रोक देता है आके, तो एरियल और गोंजालो दोनों उसके मर्डर को रोक देते हैं। क्वेश्चन 78, व्हाट डज सेबेस्टियन डू व्हेन एवरीवन वॉक अप, जब हर कोई सब जग जाते हैं तब वो सेबेस्टियन क्या करता है, बिफोर ही एंड एंटोनियो कैन किल एलोंसो, वो क्या करता है, कनकोटे स्टोरी, एक स्टोरी बनाता है, ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 79, व्हेन ट्रिंकुलो सीज कैलिवन लाइंग ऑन द ग्राउंड, जब ट्रिंकुलो देखता है कैलिवन को जमीन पर लेटा हुआ, अंडर ए क्लॉक, एक क्लॉक के नीचे, वॉट डज ही डू, वो क्या करता है, क्या करता है वो, तो वो ज्वाइन कर लेता है, वो भी उसके साथ लेट जाता है, ज्वाइन कर लेता है कैलिबन को अंडर इट। क्वेश्चन नंबर देखिए 80, व्हेन स्टीफेनो स्पॉट ट्रिंकुलो
एंड कैली वन अंडर द क्लॉक. जब स्टीफनो इनको देखता है क्लॉक के नीचे, व्हाट डज स्टीफनो थिंक ही सीज. तो स्टीफनो को क्या लगता है कि उसने क्या देख लिया, ए टू हेडेड मॉनेस्टर. उसे लगता है कि उसने टू हेडेड, जो दो सिर वाला मॉनेस्टर देख लिया है. क्योंकि ये लोग पी रखी थी इन लोगों ने, ये जो स्टीफनो है, ट्रिंकुलो है और जो कैलीवन है ना, ये तीनों एक साथ ज्वाइन मतलब मिल जाते हैं और तीनों ड्रिंक कर लेते हैं. तो ड्रिंक में झूम रहे थे ये, तो किसी को कुछ दिख रहा था, किसी को कुछ दिख रहा था. 81 को देखो क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज कैलीवन डू आफ्टर स्टीफनो, है ना. कैलीवन क्या करता है स्टीफनो के बाद, मिस्टेक करने के बाद, फॉर समथिंग एल्स वो ड्रिंक कर लेता, ही गेट्स ड्रिंक. क्वेश्चन नंबर देखिए 82, हाउ डू स्टीफनो एंड ट्रिंकुलो व्यू कैलीवन व्हेन कैलीवन इज ड्रिंक. कैसे स्टीफनो और ट्रिंकुलो देखते हैं कैलीवन को जब कैलीवन ड्रिंक कर लेता है, कैसे देखते हैं उसको, एज ए रिड्यूकुलस मॉनेस्टर, वो उसको एक रिड्यूकुलस मॉनेस्टर की तरह देखते हैं. क्वेश्चन नंबर देखिए 83, व्हाट डज कैलीवन ऑफर द टू मैन. कैलीवन क्या ऑफर करता है उन दोनों मैनों को, मतलब ट्रिंकुलो और स्टीफनो को, टू शो देम अराउंड. ए वाला सही हो जाएगा आपकी. क्वेश्चन नंबर देखिए 84, व्हाट इज फर्डिनेंड डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन. बिगिनिंग एट द सीन, क्या करता हुआ दिखाई देता है फर्डिनेंड, जो बिगनिंग का सीन है, कैरिंग वुड, वुड लाता हुआ दिखाई देता है, लकड़ी लाता हुआ. 85 देखिए, वॉट वर्ड दैट फर्डिनेंड यूजेज टू डेस्क्राइब मिरांडा शेयर ए लैटिन रूट वर्ड विद हर नेम. कौन सा वर्ड यूज़ करता है फर्डिनेंड मिरांडा के लिए, एडमायर्ड. वी वाला हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 86, हाउ डज मिरांडा रिएक्ट टू द न्यूज़ दैट फर्डिनेंड इज़ ए प्रिंस. जब मिरांडा को ये पता चलता है कि फर्डिनेंड प्रिंस है, तो वो कैसे रिएक्ट करती है. वो सीम्स अनकंसर्न, वो अनकंसर्न फील करती है. 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट डज मिरांडा आस्क व्हेन सी फाइंड्स आउट दैट फर्डिनेंड इज ए प्रिंस. वो उससे क्या पूछती है जब उसको ये पता चलता है कि वो एक प्रिंस है. वो पूछती है उससे, क्या वो उससे प्यार करता है, इफ ही लव हर. क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, व्हाट डज मिरांडा डू व्हेन फर्डिनेंड सीज. जब फर्डिनेंड कहता है कि हाँ वो उससे प्यार करता है, तो वो क्या कहती है, वो प्रपोज कर देती है उसको शादी के लिए. बी वाला करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 89, विच ऑफ द फॉलोइंग 125 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते ही. एक्सप्लेन तो बहुत बड़ी बात है, उनको रीड करना ही मुश्किल पड़ जाता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 14 बुक्स इन प्रीलूड. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 89 में ये क्या बोल रहा है कि कौन सा जो पार्ट है वो 14 बुक का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो प्रीलूड है वर्ड्सवर्थ की, वो 14 बुक्स में लिखी गई है ना, 14 बुक्स हैं उसकी, तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है उसका. तो आपका यहाँ इंट्रोडक्शन है उसमें, जिसमें चाइल्डहुड दिखाया गया है, स्कूल टाइम दिखाया गया है. सेकंड में स्कूल टाइम है, कंटिन्यूड रहता है वो, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, ये भी कंटिन्यू रहता है. तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा. विंटर वैकेशन का कोई सीन नहीं है इसमें, है ना. 90 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑटोबियोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स. इनमें से कौन ऑटोबियोग्राफिकल पोएम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा. एज द इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट टू द लॉन्ग थ्री पार्ट एपिक एंड फिलोसॉफिकल पोएम रिक्लूज. तो आप समझ ही गए होंगे, ये प्रीलूड है जो उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है प्रीलूड, और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, जो कि 1805 में कंप्लीट हो गया था, बट पब्लिश हुआ था उनके मरने के बाद, और शुरू कर दिया था उन्होंने 1798 में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 91, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम बिगिंस विद द लाइन आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड. मतलब मैं वंडर लॉनली, मैं ऐसे घूम रहा था अकेले जैसे कोई बादल. तो बहुत फेमस लाइन है, अक्सर एग्ज़ाम में आती है, ईजी तो है लेकिन एग्ज़ाम में आती है, क्या करें. डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. डैफोडिल्स बहुत फेमस पोएम है, इसमें से अक्सर एक दो कोट एग्ज़ाम में आते हैं.
क्वेश्चन नंबर 92, विच बुक वॉज डिवाइडेड इंटू 13 बुक्स, यानी कौन सी बुक है जो 13 बुक्स में डिवाइडेड है इन 1805 वर्जन, यानी कि जो 1805 का जो वर्जन था, यानी कि इन्होंने अपनी जो बुक थी प्रील्यूड वो कंप्लीट कर ली थी 1805 में, तब तक वो 13 बुक्स में थी, ठीक है। वाइल द 1850 वर्जन हैड 14 पार्ट, जो 1850 में जो वर्जन आया इसका पब्लिश हुआ वो 14 बुक्स में था, तो वो कितनी बुक, तो वो कौन सी बुक थी, तो वो प्रील्यूड थी, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली क्या था कि 1805 में वर्ड्सवर्थ ने इसे 13 ही किताबों में लिखा था, जो फोर्थ वाली जो किताब है ना, जो एंड है, वो इनकी वाइफ जो मैरी हचिनसन है, उन्होंने इसको कंप्लीट किया था और उन्होंने इन्हें इसे पब्लिश कराया था इनके मरने के बाद। तो आपका आंसर प्रील्यूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 93, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज कॉल्ड ए मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म, यानी कौन सा वर्क इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म का मैनिफेस्टो बोला जाता है, तो लिरिकल बैलाड है 1798 में पब्लिश हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 94, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विद हिज सिस्टर डोरोथी मूव्ड बैक टू लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी किस ईयर में वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ मूव कर गए लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सेटल टू डब कॉटेज इन द विलेज ऑफ ग्रासमियर, तो कब डब कॉटेज में वो सेटल हो गए। तो ये बुक है ना, बुक में तो 1799 दे रखा है, ये कोई गलत है, ये सेटल हुए थे डोरोथी के साथ 1800 में, तो आपका आंसर जो सही है वो हो जाएगा 1800, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1800 में सेटल हो गए थे डब कॉटेज में, डब कॉटेज। क्वेश्चन नंबर देखिए 95, इन 1805 वर्ड्सवर्थ फिनिश्ड हिज पोएम, उन्होंने अपनी एक बुक खत्म कर ली थी, समझ गए होगे आप कौन सी बुक खत्म कर ली थी, प्रीलिउड की बात हो रही है, 1805 में उन्होंने खत्म कर ली थी पोइम टू कॉलर इज, जिसका नाम क्या था, पोइम टू कॉलर इज, बट रिफ्यूज टू पब्लिश इट, लेकिन उन्होंने इसे पब्लिश कराने से मना कर दिया, इट अनटिल ही वुड कंप्लीट द रिक्लूज, जब तक उन्होंने पब्लिश कराने से क्यों मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे रिक्लूज को कंप्लीट करना, जब तक रिक्लूज कंप्लीट नहीं होगी वो इसे पब्लिश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे रिक्लूज को इसका बनाना, प्रोलॉग बनाना चाहते थे वो इसका रिक्लूज को, ठीक है। तो पोइम टू कॉलर इज वुड बी ए प्रोलॉग, ये हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 96, द डाइवोर्स एक्ट रिटन बाई मिल्टन, जो डाइवोर्स एक्ट लिखे गए मिल्टन के द्वारा फ्रॉम 1643 से 1645, ठीक है, मिल्टन ने कुछ डाइवोर्स एक्ट लिखे थे 1643 से लेके 1645 तक, पांच उन्होंने डाइवोर्स एक्ट लिखे थे, रेफर टू द फोर इंटरलिंक्ड पोलमिकल पैम्फलेट, तो इन्होंने इंटरलिंक किया था इससे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एमंग देम, उनमें से कौन सा था, ठीक है। तो वो जो आपके डाइवर्स एक्ट हैं उनके वो बताना, इनमें से कौन सा था, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, यही उनका सबसे पहले आया था 1643 में, ये 1643 में आया था उनका। फिर है द जजमेंट ऑफ द मार्टिन बूसर, एंड नेक्स्ट है टेट्राकॉर्डन एंड कॉला स्टीरियन, है ना, तो ये सारे ही हैं, ऑल ऑफ द एवर, आपका जो करेक्ट आंसर है वो ई हो जाएगा, फोर, चारों करेक्ट हैं, ये चारों उनके डाइवोर्स ट्रैक्ट हैं जो लिखे गए 1643 से लेके 1645 तक, ठीक है, चार। क्वेश्चन नंबर देखिए 97, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन आर ऑलवेज यूज एज ए प्लूरल फॉर्म, यानी कौन सा जो नाउन है वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, टंग्स, ब्रीचेज, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, आप जानते ही हैं ये सारे जो नाउन्स हैं ये हमेशा यूज्ड होते हैं प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि इनकी दो साइड होती हैं, और जिन चीज़ों की दो साइड होती हैं उनको इंग्लिश हमेशा प्लूरल मानती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 98, फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल एंड देयर यंग वंस, यानी आपको इनमें से एनिमल और उनके यंग वन के बारे में बताना है। डियर का फॉन होता है, डॉग का पप्पी होता है, ड्रोन का लावा और पोपा होता है, तो तीनों ही यहाँ पर सही हैं, केवल फॉक्स वाला रॉन्ग है, फॉक्स का लैम नहीं होता, कब होता है,
ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 99। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड इज नॉट ए रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, यानी कि कौन सा इसमें से रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये तीनों ही क्या है, रेस्ट्रिक्टिव क्वालिटी के होते हैं। इसमें से सबस्टैंटिव आपका सही हो जाएगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 100। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डिनोट द क्वालिटी काइंड और कंडीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस, यानी कौन सा एडजेक्टिव डिनोट करता है क्वालिटी को, काइंड को और कंडीशन को, नाउन और प्रोनाउन को। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दोनों क्या बताते हैं, काइंड कंडीशन एंड क्वालिटी बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 101। व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है। सो मोर ब्यूटीफुल, ये आपका ही सही क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूटीफुल तो होता नहीं है और ब्यूटीफुलर तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज। सो ए इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 102। सी सैंग एंड डांस्ड, उसने क्या किया, गाया और नाचा हैप्पीली। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अंडरलाइन वर्ब, अंडरलाइन जो वर्ब है ना वो किस नेचर की है बताना है आपको। सो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। सो बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 103। क्वेश्चन नंबर 103, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हुए उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये TCET 4 में आया है। हेमा हैज़ नो कंट्रोल डैश हिज टेम्पर, हेमा को अपने टेम्पर पे कंट्रोल नहीं रहा, तो यहाँ आपको प्रीपोजिशन लगाना है। सो ओवर हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 104। ही फील्डेड द बॉल एंड थ्रू इट बट इट मिस्ड द विकेट डैश, ये भी आया हुआ है बाई ए डिस्टेंस, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। देयर डैश थ्री गिफ्ट इन द कार, TCET 4 में आया है, तो यहाँ पे आर आपका करेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन नंबर देखिए 106। ही इज जूनियर डैश टू मी, टू आता है ना जूनियर के बाद, सो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 107। अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क, ये भी TCET 4 में आया हुआ है, यानी कि सीजर का जो एक जोड़ा क्राफ्ट वर्क के लिए ज़रूरी है, होना चाहिए। तो यहाँ आपको इसमें वर्ब फिल करनी है, कौन सी आएगी, इज आएगी, वॉज आएगी, आर आएगी, वर आएगी, क्या आएगी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्चुअली ए पेयर, जो सीजर्स और ये होते हैं ना सीजर, अभी जब हमने पीछे पढ़ा था टंग्स, स्पेक्टिकल्स, ये सब जिनकी दो साइड होती हैं, इनको प्लूरल नाउन माना जाता है, ठीक है। तो इनको एक वचन करने के लिए हम ए पेयर ऑफ ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जब इन्हें हम सिंगुलर बनाते हैं। तो ए पेयर ऑफ लगाए तो ये सिंगुलर हो गया, इसलिए तो हम इसमें जो वर्ब है वो फिल करेंगे इज। सो बी इज़ करेक्ट हेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 108। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही स्पेल्ड वर्ड वो आपको यहाँ पे बताना है। ये भी TCET 11 में आया हुआ है, तो टीचर्स की स्पेलिंग जो सही है तो डी वाली सही है, बाकी सब गलत हैं। TRACHERO US, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही सही स्पेल्ड किया गया है वो वर्ड आपको बताना है। सो क्लेप्टोमैनिया आपका डी इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट देखिए 110। दैट विच इज़ आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज़, यानी कि जो आउटडेटेड है एंड आउट ऑफ यूज़ है, यूज़ में नहीं है, यानी अप्रचलित है, प्रचलन से जो बाहर है बेसिकली, उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑब्सोलीट कहा जाता है। सी इज़ करेक्ट हेयर। देखिए कुछ डायरेक्शंस हैं 111 से 115। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो यहाँ से आपको ये पढ़ना है, पैसेज है और पैसेज सब कर लेते हैं। सो नो, देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन इट, एंड इसकी जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से यहाँ तक, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पैसेज के हैं, आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस देख लीजिए इसके, झारखंड TCET में आया हुआ है।
देखिए, ठीक है, यहाँ तक हमारे पैसेज के क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से जो नेक्स्ट डायरेक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 को देख लीजिए, वन वर्ड है यहाँ से हमारे। तो वन वर्ड में यहाँ पर आपको फोर ग्रुप होंगे जिसमें से एक गलत होगा, ठीक है। नोइजी टर्बुलेंट काइंड ऑफ वुमेन, विरागो कहते हैं ऐसी वुमेन जो झगड़ालू टर्बुलेंट टाइप की होती है, उसको विरागो कहते हैं। तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पार्टनर इन क्राइम, एक ऐसा पार्टनर जो क्राइम में हमारे साथ है, मतलब पार्टनर है हमारे साथ, तो साथ में कोई मिलके एक बुरा काम जो करता है उसको एकम्प्लिस कहते हैं। और ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, सो मिलेनियम, ये सही है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। आंसर ए पर्सन बिहाइंड टाइम्स, ये नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 117, ए पर्सन फ्री फ्रॉम इम्यूनिटी, यानी कि नहीं, सॉरी, ए पर्सन फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, जो पर्सन इन्फेक्शन से फ्री होता है उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, नहीं बोलते उसको, गलत हो गया ये आपका, ये इम्यून होता है, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो गया, ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, बाकी तो सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पर्सन विद द सेम नेम एज एन अदर, सो नेम से एक होता है वो, ए पर्सन हु कम्स टू लिव ए कंट्री फ्रॉम सम अदर कंट्री, इमिग्रांट होता, इमिग्रांट होता है वो। और नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी जो पर्सन फाइटिंग का फॉन्डिंग होता है वो होता है बैलीकोस, झगड़ालू टाइप का। क्वेश्चन नंबर देखिए 118, ए पर्सन हु कीप्स चेंजिंग, ए पर्सन हु कीप्स चेंजिंग हिज ओपिनियन, अपनी जो ओपिनियन बदलता रहता है एज अ पर्सन, उसको टर्न कोड बोला जाता है। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ऑटोक्रेसी। और आपका ये वाला गलत हो जाएगा, ये पर्सन वो, बाकी सारे सही हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 119, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, जो मक्खियों का रखने का स्थान एपेरी होता है। ए प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट, ऐसा प्लेस जो, ऐसा प्लेस जिसका जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा होता है, उसको सेनाटोरियम बोलते हैं। अ प्लेस वॉशिंग डिशेज एट जॉनिंग किचन कलरी, ये ही गलत है आपका, ठीक है। तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब सही है। ए प्लेस ऑफ शेल्टर और रिफ्यूजी, यानी कि रिफ्यूजी और को शेल्टर देने वाले स्थान को क्या बोलते हैं, एसिलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे सही हैं, गलत आपका ये था। क्वेश्चन नंबर देखिए 120, यहाँ पर है ए प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या होता है, जुआ खेला जाता है, उस टेबल को क्या कैसीनो बोलते हैं, सही है। अ प्लेस वेयर प्रोस्टिट्यूट आर अवेलेबल, ऐसा प्लेस जहाँ प्रोस्टिट्यूट अवेलेबल हैं, ये है आपका आंसर हो जाएगा बी, ब्रॉथल नहीं कहते उसको, और सॉरी, ये सही है आपका, ब्रॉथल ही होता है वो। ये वाला आपका गलत हो जाएगा, पैडागॉग। अप्रिंटेड नोट ऑफ समवन डेथ, यानी कि किसी की डेथ पर जो लेख, मरण लेख होता है ना, जिसको जैसे प्रकाशित करते हैं हम न्यूज़पेपर में कि आज उनकी उठावनी है, उनका निधन हो गया, उसको ऑबिचुरी कहते हैं। सो डी यहाँ पे, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे आपका, ये फॉरेन एक्सप्रेशन है, इनमें से भी एक गलत है, वो गलत आपको बताना है। तो सारे सही हैं यहाँ पर, ए डी वाला गलत है, एड एक्सट्रीमम टू द बिगनिंग, ये गलत है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 122, यहाँ पर भी आपका बाकी सारे सही हैं, सी वाला बस गलत है, एड इंट्रीम फॉर द टाइम इन मेमोरियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 123, यहाँ पर क्या करना है, डैश फॉर्म द सब्जेक्टिव मूड इज, सब्जेक्टिव इज द मोस्ट ऑफन यूज टू टॉक अबाउट रिकमेंडेशन सजेशंस एडवाइस रिक्वेस्ट एंड डिमांड, एंड इट ऑफन फॉलोज द वर्ड दैट, तो ये जो वर्ड इसमें हमेशा यूज होते हैं वो प्रेजेंट में होते हैं, ये वर्ड द प्रेजेंट, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 124, द पास्ट सब्जेक्टिव इज यूज आफ्टर द वर्ब विश टू इंडिकेट, यानी कि जो पास सब्जेक्टिव मूड होता है वो हमेशा यूज होता है विश वर्ब के बाद, तो क्या दर्शाता है वो, ए रियल सिचुएशन और अनरियल सिचुएशन, तो आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट, वो अनरियल सिचुएशन दिखाता है, बी करेक्ट हो जाएगा, ये अनरियल सिचुएशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 125,
नॉन फाइनाइट वर्ब्स डैश एक्शन एज द रूट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट परफॉर्म. सो गाइज ये था हमारा 15 प्रैक्टिस सेट जो कि हमने पूरा कर लिया है. क्वेश्चन 125 हमारे कंप्लीट हो गए. प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.